अमित शाह कह रहे हैं कि देखो ये मोदी की बदौलत है कि आज दुनिया तिरंगे नूं बड़े रिस्पेक्ट नाल देखती है। टुडे द वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया एंड इट्स नैशनल फ्लैग विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 214 टिल 2022। अवर डियर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इंक्रीज्ड इंडियाज रिस्पेक्ट इन द होल वर्ल्ड। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड Till India's Prime Minister Narendra Modi does not make a statement, the world doesn't decide its stance on the problem. Amit Shah फिर कहिंदा भी हुण भारत दे विच जिहड़ियां रीजनल पार्टीज ने खेतरी पार्टियां उन्हां दा भी अंत होएगा क्योंकि उन्हां दा कोई फ्यूचर नहीं है, बीजेपी दे सामने कोई नहीं टिक सकदा। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम्स। व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि हिंदुत्वियां ने मोदी नूं एक विष्णु अवतार बना के हुण अपने झूठ ते आप ही यकीन करना शुरू कर दिता। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान विच कहा है कि हुण सारी दुनिया तिरंगे झंडे अते मोदी दा बहुत आदर करती है। दुनिया विच उदों तक किसी समस्या दा निपटारा नहीं हुंदा जद तक मोदी इस बारे बयान नहीं करता। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना, देखण सुन ली एंड लिखण ली तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिहड़े झूठ बोलण दे आदी हुंदे ने ते जे असीं ब्राह्मणवादियों का जिक्र करिए कि उन्हां दी थ्योरी ये है कि जिन्ना वड्डा झूठ बोलो उन्ना ही लोग ज़्यादा यकीन करते हैं। अच्छा, पर इहदी एक प्रॉब्लम यह भी होंदी है कि जिहड़े लगातारता नाल झूठ वेचते ने, झूठ परोसते ने, फिर एक स्टेज ते वो अपने झूठ ते आप ही यकीन भी करन लग जांदे ने। बिल्कुल। और यह वर्तारा असीं अज दे हिंदुत्वी भारत विच देख सकते हैं। एक अनपढ़ फिरकू रुचियां वाले बंदे नूं कातल मर्डरर मोदी नूं जिवें उसदा जे तुसीं सारा पोलिटिकल करियर देखो, चीफ मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर तक दा सफ़र 2002 च उस वल्लों हज़ारां मुसलमानां दा कीता गया कतलेआम गुजरात दे विच, 50,000 तो ज़्यादा सिख किसानां दी जमीनां तो कीती गई बेदखली, और फिर उसनूं अंबानी अडानी दे मीडिया नैटवर्क राहीं जिवें लो पुरश के तौर पर प्रचारिया गया आयरन मैन, क्योंकि मार्गरेट थैचर दे लई जिहड़ी यूके दी प्राइम मिनिस्टर सी आयरन लेडी लफ्ज़ इस्तेमाल हुंदा सी कि जी बहुत सख्त है फैसले लैण, और उन्हूं कल्ला ही नहीं एक पासे लो पुरश बाकियां दे लई माइनॉरिटीज़ नूं फौन दे लई विकास पुरश कि मैन जिहड़ा डिवेलपमेंट कर रहा, और गुजरात मॉडल जिहड़ा फेक क्रिएट किया गया ये कह के कि देखो जी गुजरात किन्नी प्रोग्रेस है। तुसी जे ट्रू रिपोर्ट्स अज भी जा के कढ़ो तो कुछ मामलों गुजरात नेबरिंग स्टेट्स तो उहदी माड़ी हालत है। लो पुरश भी बनाया, विकास पुरश भी बनाया, और फिर मुसलमाना दा कतलेआम करके मेजोरिटी हिंदुआं तक उसका यह इमेज हिंदू हिरदे सम्राट के हिंदुआं दे दिलां दा बादशाह, और ये सफ़र दे थले उसने जिवें बाकी जिहड़ियां सीनियर वॉइसिस सी विद इन बीजेपी अटल बिहारी वाजपाई वो भी हिंदू तो भी सी, पर फिर भी वो लोग जिहड़े आले दुआले नूं देख के कोई नीतियां बनाउंदे सी, और जिवें एक एक करके हर सीनियर आवाज़ नूं पार्टी च इनकलूडिंग हालां वो अपनी किस्म दा एक एक्सट्रीमिस्ट सी अडवाणी जिन्हें कि रथ यात्रा बाबरी मसीद ढाण च रोल अदा किया है, पर किते ना किते एक पढ़िया लिखिया सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के नाते, और इस तरह जो पाकिस्तान जाता है कायदे आजम के मज़ार से जाके उन्हें कहा भी मोस्ट सैकुलर मैन, और उस तो बाद RSS ने उसनों दा जिहड़ा वो पुठी गिणती शुरू कर दी, और मोदी नूं उभारण दा सी कि भाई कुल कंट्रोल नागपुरियां दे कोल, और फिर मोदी दे नाल जिहड़ा गुजरात दे विच होम मिनिस्टर अमित शाह जिसने 2002 च मेन रोल अदा करवाया उन्हूं एलीवेट किया गया सेंटर लैवल ते, और जिहड़ा विद इन प्रोटोकॉल दे लैवल ते पार्टी च जिहड़ा सीनियर सी मोदी तो बाद जिहड़ा मोदी दे पहले पीरियड दे दौरान
जिहड़ा होम मिनिस्टर भी और राजनाथ सिंह ये सारे पिछे तक दिते गए। वाजपाई का सारा ही ग्रुप इनकलूडिंग किवें वो सारे गए, मनोहर पारेकर नूं की होया, वो जिहड़ा सुषमा स्वराज कैंसर दे नाल, और इस तरह एक इन्हां दा जिहड़ा फाइनैंस मिनिस्टर सी अमृतसर तो हारिया सी चोण, वो ये सारे जां मर गए बीमारी, और सब नूं कैंसर हुंदा है, और जां उन्हां नूं बिल्कुल मुरली मनोहर जोशी वर्गे अडवाणी वर्गे उन्हां नूं ये कह के भी तुसीं बुढ़े हो गए हो, ਤੁਸੀਂ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਣਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਦੀ ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਥੋਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੈਰਿਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਜੀਸਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਰੀਨਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਲਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ, ਰਾਮਚੰਦਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ, ਬਨਾਰਸ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। 43 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਆ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 80 ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਲਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੂਡੇ ਵਰਲਡ ਲੁੱਕਸ ਐਟ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈ ਕਲਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ।
अमित शाह हुण इन्हां ने किन्ने करोड़ तिरंगे लाउणे ने घर घर तिरंगे की कैंपेन के थले अरबा रुपया उहदे ते खर्च करना है। और अमित शाह कह रहा है कि देखो ये मोदी की बदौलत है कि अज दुनिया तिरंगे नूं बड़े रिस्पैक्ट नाल देखती है। और मोदी बारे जो उन्हें कहा, मैं एग्जैक्ट उहदे ही वर्ड कोट करांगा, टुडे द वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया एंड इट्स नैशनल फ्लैग विद रिस्पैक्ट फ्रॉम 214 टिल 2022, क्योंकि उन्होंने लिए भारत की आज़ादी मोदी के नाल 2014 से शुरू होंगी है। हम 8 साल का जिक्र कर रहे हैं। अवर डियर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनक्रीज्ड इंडियाज रिस्पैक्ट इन द होल वर्ल्ड, कि मोदी ने भारत का जिहड़ा सन्मान है दुनिया भर च उच्चा किया। टूडे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टिल इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डज नॉट मेक ए स्टेटमेंट द वर्ल्ड डजंट डिसाइड इट स्टैंस ऑन द प्रॉब्लम। हुण तुसीं इह अंदाज़ा लाओ कि दुनिया च अज कोई भी प्रॉब्लम हुंदी है दुनिया के बाकी देश उहनूं सॉल्व ही नहीं कर सकते जदों तक मोदी अपनी उस दे उत्ते अपनी टेक नहीं दिंदा, अपना बयान नहीं दिंदा। उस कि अज मोदी कला भारत का नहीं है, भारत को तो पहला तो नारा दिता असी विश्व गुरु बनाना है भारत को, हूँ विश्व गुरु तो रह गया कि कितने है, मोदी जो विश्व गुरु उन्होंने कहा जी दुनिया च कोई समस्या का हल ही नहीं निकलता जदों तक मोदी उस दे उत्ते बयान नहीं दिंदा। और उन्होंने कहा जी ये जिहड़ा अज मोदी का उभार है, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल गेव देयर सैक्रीफाइस टू सी दिस डे, अज भारत जिन्हां बुलंदियों ते मोदी ने पहुँचाया दुनिया की कोई समस्या हल ही नहीं हो सकती। ये तो इसे दिन ही डीकण लई जिहड़ियां ने इन्नियां कुरबानियां, सारा आज़ादी का महा अमृत महोत्सव इस खाते च। और कला ही नहीं, अमित शाह फिर कहिंदा भी हुण भारत दे विच जिहड़ियां रीजनल पार्टीज ने खेतरी पार्टियां उन्हां दा भी अंत होएगा, क्योंकि उन्हां दा कोई फ्यूचर नहीं है, बीजेपी दे सामने कोई नहीं टिक सकदा। ओपोजिशन नूं तां खरीद रहे ने, डरा रहे ने, अंदर कर रहे ने, लेकिन असीं इह समझदे हां भी बेशक अज कईआं नूं लगेगा कि भाई क्या क्या गपौड़ मार रहे ने, पर इस दे विच इन्हां दा अंत छुपिया होया है, क्योंकि अल्टीमेटली इह हुण अपने झूठ ते आप ही यकीन कर रहे हैं और इस चो ही इन्हों का अंत निकल जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाथ लैने ब्रेक फ्यूअर्स, तो इस तरह ही बने रहना, मिलते हैं छोटे जे वक्फे पार।